ये जो मास्टर सिलेंडर है ना, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। सुपर मोटो गाड़ियों में कुछ ऐसा ही व्हीली बार रहता है। सी दिस इज 65,000 रुपीज बेसिक डर्ट बाइक। आप जैसा पैसा इसके ऊपर लगाओगे वैसे वैसे इसको एडवांस हम बना सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसके ब्रेक्स को अपग्रेड करेंगे गाइज। मतलब एक्टिवा में कैसे हाथ के पास हैंड ब्रेक होता है, उसी तरीके से इसके ब्रेक को पैर के पास से हम निकाल के हाथ के पास लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्लच है ना तो ब्रेक है, क्योंकि ये ऑटो क्लच सिस्टम वाली गियर डर्ट बाइक है ना गाइस। सो उसकी वजह से यहाँ पे क्लच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रेक के कनेक्शन को यहाँ से हटा देंगे और एक ज़बरदस्त हैंड ब्रेक लगवाएंगे, जिससे पिछला ब्रेक यहाँ पे हाथ के पास ही रहेगा। गाइस ये जो मास्टर सिलेंडर है ना, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, देख लो। अब इसको हम यहाँ पर इसके जो है एलंकीस को खोल रहे हैं। सो गाइस अभी जो है ना, हम इस ब्रेक फ्लूइड पाइप को कनेक्शन देंगे, जो कि बहुत बढ़िया है गाइस, दिखने में काफ़ी शानदार है। फर्स्ट टाइम इतना बढ़िया पाइप मेरे पास आया है। अब अगेन एंड अगेन मैं इस पाइप को खरीदते रहूँगा जब भी मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वॉशर को यहाँ पे नीचे डालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से इसको पास करते हैं, एक वॉशर को इसके ऊपर डालते हैं, तो ये अंदर यहाँ पे चले गया गाइस। मजबूत बैठ गया लग रहा है वो। ये इसका एयर आउट स्क्रू है गाइस, जो कि यहाँ पे लगवाना है। अभी हम फुट ब्रेक कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर रहे हैं गाइस, देख सकते हैं इसके अंदर से अभी ब्रेक फ्लूइड बाहर आएगा, क्योंकि बहुत डेंजर है गाइस, पेंट पे पड़ा ना तो पेंट बहुत डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर उठा के पकड़, टाइट हमने कर दिया यहाँ पे। अभी हम इस टैंक को यहाँ पे लगा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड टैंक को कनेक्शन दे रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये पाइप को हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है। ओके, अभी ये वाला पार्ट ना इसके नीचे जाएगा। सो देख लो, ये भी टाइट हो गया है यहाँ पे। गाइज अभी पूरा एक घंटा ना पंप करने के बाद देखो प्रेशर इतना बना है, बहुत सारा हमने इसके अंदर से ना एयर आउट कर दिया है, बट स्टिल जो केबल होता है ना उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स रह सकते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करके जब गाड़ी रन होती है ना, तो थोड़े टाइम के बाद में वो आ जाते हैं बाहर, तो अभी के लिए इतना प्रेशर बना है। ये जो डर्ट बाइक है ये रियली ऑसम है, लेकिन ये रोड लीगल नहीं है गाइस, जिसकी वजह से हमने इसको हमारी इसुजू के ऊपर चढ़ा दिया और निकल गए वेल्डिंग शॉप पे, क्योंकि हमें इसके ऊपर बनाना है व्हीली बार। नाउ वी आर एट भटकल टाउन फेमस वेल्डिंग शॉप। ये सर ने मुझे बहुत हेल्प की है कई मॉडिफिकेशंस करने में। गाइज इंटरनेशनल सुपर मोटो गाड़ियों में कुछ ऐसा ही व्हीली बार रहता है, तो हमारा व्हीली बार भी कुछ ऐसे ही रहेगा और ये अंदर जाएगा और देख लो, अभी तो रफली मैं दिखा रहा हूँ।
ऑल राइट गाइज, देखो हमारी डर्ट बाइक कैसे सुपर मोटो जैसी खूबसूरत लग रही है। देखो यहाँ पे इसका व्हीली बार हमने बनाया हुआ है। फर्स्ट प्रैक्टिस हम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बाकी यहाँ पे देख लो, हमने इसके ऊपर इम्पोर्टेड ब्रेक जो लगाया था ना, वो भी काफी शानदार लग रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं खतरनाक स्टंट राइडिंग इस छोटी सी खूबसूरत मिनी डर्ट बाइक के ऊपर। अभी मारूंगा बहुत लंबी व्हीली, व्हीली होगा या क्रैश होगा देखेंगे। एक नंबर गाइस, एक नंबर एक नंबर, बहुत लंबी थी व्हीली, मजा आया सच में। ये ब्रेक जो है ना सूट कर रहा है, राइडिंग कंडीशन को बेटर कर रहा है, कंट्रोल को। सीसी की ये डर्ट बाइक होने के बावजूद ये 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक जा सकती है और लगभग 60 के आसपास इसमें पेट्रोल का माइलेज मिलता है। और देखो यहाँ पे पेट्रोल डालने की हमारी निंजा टेक्निक कैसे बवंडर की तरह जा रहा है पेट्रोल टंकी के अंदर। ओके, अभी सर्कल व्हील ट्राई करते हैं। ये हमारे कन्नड़ा सब्सक्राइबर्स है, हैंग इधरा मचा गाड़ी पड़े थे हाँ 65,000 के अडीला। ऑल राइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। डर्ट बाइक के ऊपर व्हीली बार और ये नया हैंड ब्रेक लगवा के हमें एक बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस मिला, बहुत मज़ा आया गाइज इसके ऊपर स्टंट राइडिंग प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी ये जो डर्ट बाइक है ना गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए एज ऑटो के पास सेल पे है। 65,000 इसका प्राइस है। अब यहाँ पे आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका प्राइस बढ़ जाए क्योंकि मोदी जी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको ये महंगी पड़े। तो अभी जो है ना थोड़ा सा लिमिटेड स्टॉक है एज ऑटो के पास 65,000 में। आपको चाहिए तो आप इनसे बुक करके ले सकते हैं। और ये जो बाइक है ये 100% ऑफ रोड पर्पज के लिए है गाइज। तो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट जरूर करो। और एक से बढ़कर एक खतरनाक धुंधड़ाक स्टंट्स के लिए आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहूंगा। सॉरी गाइज, थोड़ा सा लंबा समय हो गया वीडियो आने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं किस काम में बिजी था, तो समझ सकते हो, तो समझ लो मेरे भाई। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो गाइज। बाय बाय, जय हिंद।